हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए है। चलिए जी, तो एक यूनिट चल रही थी हमारी, ठीक है, तो उसे आज हम क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो द सुनामी, ठीक है, वो आज फिनिश हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो वकैब वगैरह उनकी, और इसकी पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूँगा और इस वीडियो में हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हाउ आर मेघना एंड आलमस स्टोरीज फेमिलर। मेघना और आलमस की स्टोरी एक जैसी क्यों थी। बोथ मेघना एंड द आलमस फैमिलीज वर वाश्ड अवे। दोनों के दोनों परिवार सुनामी की चपेट में आ गए थे। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉर द डेज। कई दिनों तक वो उस समुद्र के किनारे पे थे। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 डेज। दो दिन के लिए वह वहीं रही थी। होल्डिंग ऑन द ए वुडन डोर, एक लकड़ी के गेट को पकड़। शी वाज ब्रॉड टू सी शोर बाय ए वेव्स। और अंत में उसे फिर क्या हो गई, एक लहर थी जो समुद्र की लहर आई उसको बहाकर ले गई, ठीक है। सिमिलरली ऑलमस क्लिम्ब्ड ऑन ए लॉन्ग वुड एंड फेंटेड, एक बड़ी लकड़ी की चीज़ के साथ वो क्या था ऑलमस्ट क्या उस पर चढ़ गया था। एंड शी वॉक अप इन ए हॉस्पिटल, और वो क्या है जब उठा तो वो वॉक हॉस्पिटल में पहुँच गया। बोथ द गर्ल्स वर ट्रेमोनेस्टेड आफ्टर द इंसिडेंट्स। इस घटना के बाद दोनों का जो क्या है कि दोनों इस घटना से बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए। एंड वाहिल मेघना वाज सीन वॉकिंग ऑन द सी और इन द डेज एंड ऑलमोस्ट डज नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट टू एनी वन। तो जब मेघना ने देखा इन लहरों को, जब भी वो समुद्र को इन लहरों को आते हुए देखती है तो उसको वो सीन याद आता है, और वो फिर इस जो दुर्घटना है इसके बारे में वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करती, ठीक है। वट आर द डिफरेंस वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। वट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर पैलेस। कि जो वट आर द डिफरेंट के क्या अंतर है टिली के पेरेंट्स में और उसके बिहेव में, ठीक है, और यदि आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, ऐसा पूछा गया। नॉट टॉकिंग हर सीरियसली, मैं सीरियसली बातचीत नहीं करता। टिलीज पेरेंट्स कुड हैव ट्राई टू क्लेम, टिली के पेरेंट्स ने कहा था कि शांत रहने को कहा। एंड डाउन हर थिंकिंग दैट शी हैड बीन फ्राइटेड बाय समथिंग, वे किसी चीज़ से भयभीत हो गए थे। एज ए रिजल्ट रिजल्ट ये निकल कर आया सामने कि दे कुड हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द सुनामी वे, और उनके इसी डर ने वो सुनामी के साथ बहाकर ले गया, ठीक है। इफ़ आई वर इन देयर पैलेस, यदि मैं उसकी जगह पर होता, आई टू वुड हैव लिसन टू हर, तो मैं भी टिली को उसकी बात को सुनता। एंड रियलाइज दैट देर वाज ए डेंजर अप्रोचिंग, और उसे जो डेंजर था उस खतरे को पहचानता। एंड कंसेंटली आई टू वुड हैव रश्ड अवे फ्रॉम द बीच, और मैं भी वहाँ से वो जो बीच थी उसको छोड़कर चला जाता, ठीक है। चलिए जी, इफ़ टिली अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, यदि टिली अपना पुरस्कार किसी से शेयर करती, हु डू यू थिंक शी हैज़ शेयर इट, तो वो किसके साथ अपना जो अवार्ड वो शेयर करती। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के साथ, और हर ज्योग्राफी टीचर, अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ। तो इफ़ टिलीज अवार्ड टू बी शेयर्ड, यदि टिली को अपना पुरस्कार शेयर करने का मौका मिले तो शी शुड शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर, तो वो अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करेगी। हु मेड हर अवेयर, जिसने उसको जागरूक किया ऑफ सुनामी के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, इट वॉज दिस अवेयरनेस, उसकी इसी जागरूकता ने, दैट हेल्प्ड हर सेव टू सो मैनी लाइव्स, उसकी इसी जागरूकता ने हजारों जानों को बचाने में मदद की। वट आर द टू डिफरेंस आइडियाज अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। दो अलग अलग प्रकार के क्या विचार थे और क्यों उन जानवरों की जान सुनामी में चली गई। विच आइडिया डू यू फाइंड इन मोर बिलीवेबल, आप किस विचार पर सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट आइडिया इज़ दैट द एनिमल हैव सिक्स सेंस, एनिमल्स होते हैं उनमें सिक्स सेंस होता है, ठीक है, मनुष्य ज़्यादा बड़ा सिक्स सेंस होता है। दे नो दैम, उनको सबसे पहले पता चलता है वैन द अर्थ इज़ गोइंग शेक, जब भी अर्थ पे कोई हलचल होती है तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। द सेकेंड आइडिया इज़ दैट द एनिमल हैव मोर एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग, उनमें सुनने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। दिस हेल्प डैम टू हियर,
उन्हें ये क्षमता उनको सबसे पहले इस क्षमता के कारण ही उनको सबसे पहले सुनता है एंड फील द अर्थ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन में कंपन को वे सबसे पहले महसूस करते हैं। इफ़ दिस वे दे सेंस द कमिंग डिजास्टर, किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, ठीक है, मच बिफोर देम द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग से भी पहले उन्हें पता चलता है, सो दे रन अवे टू सेफर प्लेस, इसलिए वो सबसे सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। टू मी द फर्स्ट आइडिया सीम्स मोर बिलीवेबल, जो पहला विचार है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इट इज़ सो बिकॉज, क्योंकि मैनी एनिमल्स गेट एन आइडिया ऑफ कमिंग रेन्स, जब भी बरसात आती है तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। नो रन हैज़ नथिंग टू डू विथ द सेंस ऑफ हियरिंग, और रेन का बरसात का सुनने के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज़ द मोर सेंसिबल टू थिंग्स, इसलिए उनका जो सेंसिबल तरीका है ना, जो पहला है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। That the nature has proved them, इसलिए जो प्रकृति वो उससे उन्हें ये गुण प्रदान करती है, some sixth sense, उनको जानवरों को sixth sense देती है, which help them to get over the increase crisis, किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें ये गुण देती है। ठीक है जी, चलिए जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।